उसमें बाटला लीकेज तो मुझे पूरा बाटले से लीक है ना, बाटले से लीकेज लग रहा है। पूरा नॉब गे खोलना पड़ेगा, वाल खोल के उसको टैप लगा। दिख रहा है कैसे उसके? नॉब को खोल लेना है इसको, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और आप लोग को भी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसीलिए मैं जल्दी में दिखा रहा था। बाटले का फेडिंग चेक करना है, फेडिंग में प्रॉब्लम है क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है फेडिंग के अंदर खराब रहता है, इसकी वजह से भी लीकेज होता है, तो आप उसे अच्छे से चेक कर लो। और थोड़ा मैं वीडियो फास्ट करके दिखा रहा हूँ इसको, अच्छे से इसका जो टेफ्लॉन टेप है वो पूरा निकाल लेना है। वाल का जो थ्रेडिंग है उसमें दो टेफ्लॉन टेप लगेगा, दोनों टेफ्लॉन टेप, और अच्छे तरह से लगाना। मैं तो इसमें फास्ट ही लगा रहा हूँ, तुम बराबर आराम से लगाना इसके अंदर टेफ्लॉन टेप। अगर अभी आपके लगाने में मिस्टेक हो गया तो दोबारा भी लीकेज हो जाएगा, तो थोड़ा आराम आराम से टेफ्लॉन टेप लगाना, पूरे जगह पे लगाना। एक राउंड पूरा घुमाने के बाद तो दूसरा राउंड घुमाना उसके ऊपर। दोस्त वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। टेफ्लॉन टेप को अच्छे से चिपका देना, क्योंकि नहीं चिपका रहेगा तो साइड में निकल जाएगा, इसीलिए अच्छे से उसको चिपका देना। दूसरा टेफ्लॉन टेप आगे के साइड में ज़्यादा लगाना, क्योंकि आगे की तरफ टाइट रहेगा तो लास्ट में लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। सब आगे पीछे की तरफ टेफ्लॉन टेप लग जाएगा तो भी लीकेज हो सकता है, इसीलिए आगे की तरफ दूसरा वाला टेफ्लॉन टेप थोड़ा ज़्यादा चढ़ा के लगाना और आगे का थ्रेडिंग छोड़ देना। इसे अच्छे से पानी से टाइट करना है कपड़ा लगा के, और थोड़ा मैं वीडियो कट करके टाइट करके आपको दिखाता हूँ। फटाफट फर्स्ट एड फिटिंग कर लिया हूँ मैं, अभी इसको लीकेज चेक करना है। अब देख लो प्रेशर भी है उसमें, दिख रहा है सामने 50 पॉइंट कुछ प्रेशर है, और इसको लीकेज ज़रा अच्छे से चेक कर लेना, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और जो आवाज़ आ रहा था इसके लिए सॉरी गाइस।